वहीं सेब का सीजन शुरू होते ही बागवानों की परेशानियां भी शुरू हो गई हैं। मौसम की मार से जहां एक बार सेब का साइज नहीं बन पाया है, वहीं सेब कार्टन के दाम बढ़ने से बागवान खासे नाराज हैं। सेब हिमाचल प्रदेश की आर्थिक में 5,000 करोड़ रुपए का योगदान देता है, लेकिन प्रदेश में बागवानी अब घाटे का सौदा बनता जा रहा है। सेब सीजन को लेकर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला में संबंधित विभागों के अधिकारियों और बागवानों के साथ जरूरी निर्देश भी दिए। पिछले महीने में मैं एचपीएम इसकी से बात करी, मैंने उनको अपना डेजिग्नेशन भी कहा कि मैंने कहा आप इतना अतिरिक्त बोझ क्यों ले रहे हैं। आपने ये जो क्वेश्चन किया, मैं इसके लिए थैंक्स करूंगा। आपने बहुत राइज किया कि मीडिया के माध्यम से ये कहता, उन्होंने जो एचपीएमसी के अधिकारी है मुझे ये कहा था कि आज ये सेक्रेटरी आएगा आपको बाहर फेंक दे। तो मैंने कहा सेक्रेटरी किसी एक व्यक्ति का नहीं है, आज इस सरकार का, कल उस सरकार का, आज मेरा है, कल किसी और का, ये चिंता है। अब ना जाने की मैं क्यों कहा, मैंने कहा आपने 3,000 रुपये प्रति मशीन पे महंगा दे रहे हो, उसके तुरंत बाद इन्हें 2,000 कम भी किए मशीन पे, और खाद दूसरा पूछा, मैंने कहा यार का खाद क्यों नहीं लाते भाई। हम अब आप जब आपको सेब देते हैं तो आप सेब के बदले में पेमेंट क्यों नहीं देते, मेरा व्यक्तिगत नहीं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सेब का सीजन जो है वो प्रारंभ होता है। सेब की अर्थव्यवस्था 5,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था है और ये बहुत सारे हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में जो है वो आम जनता की जो है वो बैकबोन है, इसलिए लोगों की फसल जो है वो मार्केट में ठीक प्रकार से बिके, इसके लिए इस प्रकार की बैठक हर वर्ष की जाती है। आज भी ये बैठक की गई है जिसमें हमारे एपीएमसी के चेयरमैन श्री नरेश शर्मा जी भी जो है वो मौजूद थे, हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं क्योंकि डिप्टी कमिश्नर छुट्टी पर हैं, और सभी जो हैं वो जिला के अधिकारी जो हैं वो इस बैठक में उपस्थित थे। इसमें जो सेब और बागवान हैं उनके भी जो संस्थाएं हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी मौजूद थे, ट्रक ऑपरेटर यूनियंस के भी जो है लोग मौजूद।